दोस्तों फाइनली हुंडई कंपनी ने अपनी मोस्ट अवेटेड माइक्रो एसयूवी कार कैस्पर को साउथ कोरिया में रिवील कर दिया है। हालांकि पहले हुंडई कंपनी ने इस कार का एक्स नाम ये कोड नाम रखा था। इसका ट्रेडमार्क इंडिया में भी रजिस्टर हो चुका है, तो इसको इंडिया में भी अब कैस्पर नाम से बेचा जाएगा और ग्लोबल मार्केट में भी इसको कैस्पर नाम से बेचा जाएगा। इसका मुकाबला टाटा की माइक्रो एसयूवी कार पंच के साथ रहेगा। इसके अलावा मारुति सुजुकी इग्निस, इन कारों के साथ इस कार का तगड़ा मुकाबला रहने वाला है। तो यहाँ पर अब माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में कॉम्पिटिशन थोड़ी सी टफ होने वाली है। वही इस कार के डायमेंशन की अगर मैं बात करूँ तो इस कार की लेंथ है 3595 मिलीमीटर की, इसकी विड्थ 1595 मिलीमीटर की है, वही इसकी हाइट 1575 मिलीमीटर की है। कंपनी ने इसके अंदर 2400 मिलीमीटर का व्हील बेस दिया हुआ है, जिसकी मदद से इसके इंटीरियर में अच्छी खासी स्पेसिंग भी हो जाएगी। हालांकि ये माइक्रो एसयूवी कार रहने वाली है तो इसके इंटीरियर में आपको स्पेसिंग थोड़ी सी कम ही देखने को मिल जाएगी। वही अगर इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो साउथ कोरिया में इस कार के अंदर दो इंजन ऑप्शंस दिए जाएंगे, जैसे कि 1.0 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो कि लगभग 76 PS की पावर आउटपुट निकालता है। इसके अलावा 100 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस कर पाता है। इसके अलावा साउथ कोरिया में एक और इंजन दिया जाएगा जो कि रहेगा 1.0 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जिसकी मदद से ये कार लगभग 100 PS की पावर आउटपुट प्रोड्यूस करेगी। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जब हुंडई कंपनी इसको इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगी तो इसके अंदर हमें हुंडई i10 नियोस वाला ही इंजन इसके अंदर हमें देखने को मिल सकता है जो कि 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन है। तो ये चेंजेस इसके इंजन में हमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं इसके एक्सटीरियर डिजाइन की बात करूँ तो इसके एक्सटीरियर के बहुत सारे इमेजेस सामने निकल कर आए हैं। इसका फ्रंट फीशिया, इसका रियर का प्रोफाइल और इसका साइड का प्रोफाइल देखने में काफी हद तक कमाल का है। इसके फ्रंट फीशिया में सर्कुलर डिजाइन के साथ हैलोजन हेडलाइट का इस्तेमाल किया जाएगा और उसके सराउंडिंग में LED DRL भी दिया जाएगा। हालांकि बोनेट के नीचे LED DRL जैसा डिजाइन कंपनी ने दिया हुआ है, शायद वहां पर DRL और इंडिकेटर की प्लेसमेंट हो सकती है। इसके अलावा न्यू डिजाइन फ्रंट के ग्रिल्स इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, तो इसका फ्रंट फीशा काफी तक कमाल का रहने वाला है। वही अगर इसके साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो आप इसका साइड प्रोफाइल देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। ड्यूल टोन कलर के अलॉय व्हील कंपनी इसके अंदर देगी। इसके अलॉय व्हील का डिजाइन भी काफी तक बढ़िया लग रहा है। इसके अलावा बॉडी कलर के ORVMs इसके अंदर ऑफर किए जाएंगे और इसके ORVMs के ऊपर कंपनी टर्न इंडिकेटर का ऑप्शन भी देगी। स्क्रीन के ऊपर इमेजेस के अंदर आप देख सकते हैं, तो ये काफी तक बढ़िया बात है क्योंकि एक माइक्रो एसयूवी के अंदर आपको इतने बढ़िया फीचर्स ऑफर किए जाएंगे, ये भी एक कमाल की बात है। इसके अंदर हुंडई कंपनी रूफ रेल का ऑप्शन भी देगी। इसके अलावा इसके साइड क्लाइडिंग्स के ऊपर और इसके फेंडर्स के ऊपर ब्लैक कलर की फिनिशिंग आप देख सकते हैं। वही अगर मैं इसके रियर फीचर की बात करूं तो इसका रियर का फीचर भी काफी तक कमाल का है। न्यू डिजाइन LED टेललाइट का सेटअप इसके अंदर दिया जाएगा। शार्क फिन एंटीना भी आप देख सकते हैं इमेजेस के अंदर और अच्छे खासे डिजाइन लेआउट्स इसके एक्सटीरियर में देखने को मिल जाएंगे। हालांकि इसके इंटीरियर के इमेजेस अभी सामने निकल कर नहीं आए हैं, वो बहुत जल्दी आ जाएंगे। उसके ऊपर मैं अलग सा वीडियो बना दूंगा, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना है। वही अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो जब ये कार इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी तो इसका बेस मॉडल 4 या फिर 5 लाख रुपए से शुरू हो सकता है। इसका टॉप मॉडल 7 या फिर 8 लाख रुपए तक चला जा सकता है क्योंकि ये एक माइक्रो एसयूवी कार होने वाली है। आपको क्या लगता है हुंडई की इस कार की कीमत कितनी होनी चाहिए, मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, राइड सेफ, वेयर हेलमेट, वेयर सीट बेल्ट। थैंक यू सो मच।